मूवी ये देखिए। भैया ने आपका MMS बनाया है, इसी के पैसे उनके पास आने वाले हैं। भाभी आप चिंता मत करना, मैं अभी भैया से बात करता हूँ। अरे विभा, बन गए पकोड़े। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना। एक्चुअली मुझे आपको कुछ दिखाना है। इसे कुछ नहीं दिखाना है, और आपको भी तो ऑफिस का काम है ना, आप जाके करिए ना, मैं पकोड़े ले आती हूँ। आता हूँ। भाभी आपने मुझे क्यों रोका? आपको पता है ना भैया आपकी अश्लील वीडियो बना रहे हैं। वीडियो वो नहीं, मैं बना रही हूँ। क्या मयंक, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भैया पे कितना बड़ा लोन है। अगर मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाती ना, तो अब तक तो हम सड़क पर होते हैं। भाभी अगर भैया को ये बात पता चली तो? उन्हें तो तब पता चलेगा ना अगर तुम उन्हें बताओगे। मयंक, मैंने अपने घर को बचाने के लिए अपनी इज्जत नीलाम कर दी, तुम ही बताओ कोई औरत ऐसा कर सकती है क्या? भाभी मुझे नहीं पता था ये बात। खैर जो हो गया सो हो गया, आज के बाद आप एक भी वीडियो नहीं बनाओगी। मैं बनाऊंगी वीडियो, और मैं तब तक बनाती रहूंगी जब तक इस घर का पूरा कर्ज खत्म नहीं हो जाता। और इसे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? देखो मयंक, तुम्हारे भैया के साथ मैं सिर्फ रात में एक वीडियो बना पाती थी। तुम ही सोचो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम कितने सारे MMS बना के बेच सकते हैं, और इससे हमारा कर्ज भी खत्म हो जाएगा, है ना? भाभी मैं आपकी कोई भी मदद नहीं करूंगा। घर को बचाने के लिए किसी बाहर वाले के साथ वीडियो बनाने से अच्छा है क्यों ना मैं अपने देवर के साथ बनाऊं।